अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। आज की हमारी वीडियो है जी ब्रेक में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम के मुतल्लिक जी। सुजुकी रावी और बलान में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी या तो राइट चली जाती है या लेफ्ट चली जाती है। तो ये सुजुकी बलान है जनाब, 2021 मॉडल है गाड़ी जी। तो गाड़ी हमने खोली है तो ये इसके ब्रेक शू चेक करें, ओरिजिनल जो कंपनी साथ दे रही है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जिस वजह से गाड़ी राइट या लेफ्ट चली जाती है। ये इतने हार्ड होते हैं कि जो आपके ब्रेक स्टम्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये लेदर डाउन होने का नाम नहीं लेते। तो इस वजह से गाड़ी राइट या लेफ्ट ज़्यादा जाती है ब्रेक जब आप लगाते हैं। तो ब्रेक शू इसमें हम रिप्लेस करेंगे जी, सुजुकी के डालेंगे, एमके के ओरिजिनल जापानी। ये चेक करें जी, ओरिजिनल एमके के हैं ब्रेक शूज़, हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी कि इसके मुतल्लिक आज आप भाइयों से शेयर करूं। तो अभी हम फिटिंग वगैरह करते हैं जी, चेक करें कैसे फिटिंग होंगे। ये रावी और बलोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्रेक प्रॉब्लम। तो मैंने कहा जी कि इसके मुतल्लिक आज आप दोस्तों से मैं शेयर करूं। आपके पास भी अगर रावी है या बलोन है, ब्रेक प्रॉब्लम है, तो आप उसके ब्रेक शू रिप्लेस कर दें। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी जब ब्रेक लगाते हैं राइट या लेफ्ट नहीं होगी। ये रावी और बलोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये 2021 मॉडल है गाड़ी, नंबर वगैरह भी अभी नहीं लगा। मेरे ख्याल में को तकरीबन 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, कंपनी में भी इन्होंने चेकअप करवाई है। तो वैसे भी इन्होंने डील वगैरह एडजस्ट वगैरह करवाए हैं। तो अभी हमने इसके ये जो ब्रेक शू हैं ये रिप्लेस किए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ब्रेक शू रिप्लेस कर दें। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों को मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।